वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। और आज हमको प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। ये लेसन 1 का है, क्लास 10th का। और इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लें। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन उसका बहुत ही आसान होगा। देखिए कैसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन कुछ समझ आया? यहाँ पे ये और ये, यहाँ लिखा है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या वो कौन कौन से नंबर से कट रहा है वही उसका गुणनखंड है। जैसे कि मान लीजिए कि 8 है, तो ये 8 कौन कौन से नंबर से कटेगा? कटने के लिए तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 से और 8 से, यही इसका गुणनखंड हो गया। तो इसी को कहेंगे गुणनखंड। लेकिन इसमें एक और बात बोला है कि अभाज्य गुणनफल। अब ये अभाज्य क्या होता है? इसको प्राइम बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर हम बता चुके हैं, वैसे जान लीजिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, कि ऐसी संख्याएं, ऐसा नंबर जिसका, जो सिर्फ दो ही नंबर से कटे, एक तो खुद और एक वन। जैसे कि 3 एक संख्या है, 3 एक नंबर है, और 3 एक वन से कटेगा, आई खुद अपने से एगो कटेगा। तो दो इसका मतलब दो नंबर से कट रहा है, जो दो नंबर से कटता है उसे ही तो प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। तो किसी भी नंबर का अगर आप गुणनखंड कीजिएगा, तो गुणनखंड करने से पहले, मतलब ये दिमाग में रखिएगा कि हमेशा अभाज्य, जो भी नंबर आना चाहिए वो अभाज्य यानी प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब जिस, जो दो नंबरों से कट जाए उसे प्राइम नंबर कहते हैं। बहुत लोग प्राइम नंबर और ऑड नंबर में कन्फ्यूज जाते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या और विषम संख्या, वो दोनों अलग अलग है। अभाज्य का मतलब हुआ कि जो दो नंबर से कट जाए, एक तो एक और एक होता है खुद से, 9 हो गया, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक से तो कटेगा, 9 से भी कटेगा, लेकिन एक और नंबर बढ़ जा रहा है ना, कि 3 से कटेगा। ठीक है, तो जब ये 3 से कटेगा इसका मतलब कि ये विषम संख्या है। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 70, फिर 2 से कटाएंगे हो जाएगा 35, फिर अगर ये हम कटाएं कितना से, 5 से, तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा। यानी कि 140 को जब हम कटाएं तो 2 × 2 × 5 × 7 आ रहा है। अब यहाँ देखिए, ये जो भी नंबर आ रहा है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसे है? क्योंकि ये सिर्फ एक तो एक से कटेगा और ये खुद एक दो से कटेगा, अपने से कटेगा। यानी अभाज्य का मतलब हम बताए हैं कि जो दो नंबर से कटे वो नंबर कौन कौन से, एक, एक से तो दुनिया का सारा नंबर कट जाता है। तो एक से कटे दुनिया का मतलब जो भी यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो, वो कटता है। ठीक है, और एक, अब बताइए कि 5 ही है, तो 5 एक से कटेगा, एक 5 से कटेगा, 7 है एक से और एक 7 से, तो ऐसे करते करते ये सब अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल का मतलब होता है कि गुणा करने के बाद जो फल मिले, तो इसको गुणा के रूप में लिख दिए हैं। आप इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 × 2 × 5 × 7 हो गया आपका। ये इस रूप में, जिस रूप में बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। 2 आप लोग खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। हम क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं और 4 बना रहे हैं। ये क्वेश्चन हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3825। इस क्वेश्चन को हम लोग कौन से नंबर से कटाएंगे, और वो जो भी यहाँ नंबर रखेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा ही उसका गुणनफल निकालना है। तो देखते हैं, 3 से कटाते हैं, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 × 3 3 × 2 = 6, यहाँ 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15। अब ये कितना से कटेगा, 3 से नहीं कट, 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15। अब ये 3 से नहीं, ये 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, यानी 5 × 8 = 40, और यहाँ 2 बचेगा और 50 = 25। अब ये फिर 5 से कटेगा, 5 × 5 = 5, ये बचेगा 3, 5 × 7 = 35,
17 से कटा दीजिए एक बार में। अब देखिए ये जो भी नंबर आया है और जिससे भी कटाए हैं, देखिए ये एक अभाज्य संख्या है। देखिए तीन, तीन अगर कटेगा तो एक से और तीन से कटेगा, पाँच एक से और पाँच से कटेगा, सत्रह एक से और सत्रह से कटेगा। यहाँ देख सकते हैं ये जो भी नंबर आया है जैसे बोला है वैसे ही हम कटाए हैं। अब इसको हम लोग गुणनफल के रूप में लिख दिए, गुणनफल गुणा वाला, तो थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू सेवेंटी, सेवेंटी लिख दिया। अब ये तीन दो बार है तो तीन का स्क्वायर, फाइव दो बार है तो फाइव का स्क्वायर इंटू सत्रह, हो गया भाई गुणनफल के रूप में इसका ये आंसर हो गया। इसको डीपली देखिए और समझिए, जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। यहाँ अभाज्य गुणनफल बोला, टोटल नंबर ही अभाज्य है यानी प्राइम नंबर है, ठीक है, और उसका गुणनफल के रूप में हम लिख दिए, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगर हम क्वेश्चन देखें चार तो भी ऐसे ही बनेगा। इसके बाद ये जो भी आगे क्वेश्चन है जो छूट रहा है वो आप लोगों को घर पे करना है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। ये लिखा है 5005, ये कौन से नंबर से कटेगा? सबसे पहले तो दो से नहीं कटेगा, तीन से भी नहीं कटेगा, तीन तरीका ना, एक बार देखते हैं, तीन एकम तीन दो बचेगा, तीन छक अठारह, फिर दो बचेगा तीन छक अठारह, नहीं कटेगा, पाँच से डायरेक्ट कटेगा, पाँच एकम पाँच, डबल जीरो उतार दीजिए, पाँच एकम पाँच एकम पाँच। अब ये पाँच से नहीं कटेगा, सात से कटेगा, देखते हैं, सात एकम सात तीन बचा, तीन बचेगा तो तीस हो जाएगा, सात तरीके के सात चौक अट्ठाईस, दो बचेगा यहाँ पे हो जाएगा ये इक्कीस, सात तरीका इक्कीस, चलिए ये कट गया। अब ये किससे कटेगा? तो सात से तो नहीं कटेगा, तेरह ग्यारह से कटेगा, ग्यारह एकम ग्यारह बचा यहाँ पे तीन, ग्यारह तैंतीस, यानी कि अब देखिए यहाँ पे, अब ये तेरह से कटा दीजिए एक बार में, देखिए टेबल और कटाने आना चाहिए कि ये कौन से टेबल में आएगा और क्या कट जाएगा, ये इतना आना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, इसको इसको हम सजा देते हैं, तो फाइव इंटू सेवन इंटू 11 इंटू थर्टीन, ये क्यों सजा रहे हैं हम? तो टर्म एंड कंडीशन है कि यहाँ गुणनफल बोला, गुणनफल के रूप में दिखाना है। अब यहाँ पे कोई भी डबल नंबर नहीं है इसीलिए हम किसी का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, और बस ये इतना ही नंबर हो जाएगा आपका आंसर। और अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, तब तक कि हम लोग चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर दो, एक्सरसाइज यानी पर्सनली 1.2 का क्वेश्चन नंबर एक था, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दो देखते हैं, आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हम लोग LCM और HCF ये बचपन में मतलब छोटे क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 3, 4, 5, 6 जो भी आप लोग पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़ा होगा तो टेंथ कैसे पढ़ेगा बताइए। मान लीजिए कि जिसको LCM और HCF छोटा छोटा चीज़ नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, लेकिन घबराइए नहीं, LCM और HCF भी यहाँ पे आपको सिखा दिया जाएगा कि आखिर LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। वैसे बता देते हैं कि LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब नहीं होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो पता चल जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता क्या है। देखिए किसी भी नंबर का LCM और HCF क्यों निकालते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले LCM और HCF आएगा तो ये निकाल लेंगे, दो ठो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसका LCM और HCF निकाल लेंगे, पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है, आधा नहीं है, ठीक है। और जब वो निकल जाएगा तो उसका जांच भी करना है, और वो जांच होता कैसे है, तो देखिए ये जो दो नंबर है ना, इसको जो जब गुणा कीजिएगा आप, ठीक है, इसी का जब HCF और LCM निकाल करके और उसको गुणा कीजिएगा तो दोनों बराबर आएगा। मान लीजिए कि चार और आठ है, चार और आठ को आप पहले गुणा कीजिएगा तो आठ चौका 32 मान लीजिए आ गया, और चार और आठ का अगर आप LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं और इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो वो भी 32 ही आना चाहिए, तब यानी कि ये बोल रहा है यहाँ पे इसका जांच हो पाएगा, तब जाके आपका सही होगा। देखिए कैसे, एक नंबर क्वेश्चन है 26 और 91, सबसे पहले हम इस 26 और 91 को अलग अलग करके इसका हम LCM और HCF एक ही में निकालते हैं, दो से करते हैं, ये हो जाएगा आपका 13, फिर 13 से करते हैं एक, यहाँ हुआ 2 इंटू 13। अब देखिए 91 का देखते हैं, 91 का क्या होगा, डायरेक्ट अगर हम करें तो तीन से तो होगा नहीं,
सात से सात दूना सात एकम सात आठ नौ हो जाएगा सात से सात एकम सात यहाँ पे बचेगा दो सात त्रिका इक्कीस यहाँ पे आप तेरह से कटा दीजिए एक बार में जाएगा यानी सेवन इंटू थर्टीन। अब देखिए यहाँ पे HCF और LCM क्या होता है, अलग अलग तरीका से HCF और LCM बताया जाता है लेकिन यहाँ देखिए आप कुछ अलग तरीके से LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे पहले जो मिलेगा वो लिखते हैं और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे कैसे। इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, एक 13 मिल रहा है तो 13 और 13 अगर दो जगह मिल रहा है तो एक बार इसको लिख दिए 13 ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या मिला, ये मिल गया। अब जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे तो 2 और 7 भी लिखेंगे, 2 और 7 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 14 में जब 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कहीं से कहीं मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा 53 का 52 के 2 हाथ में 5 13 एकम 13 14 15 16 17 18 182 इसका हो गया आपका ये LCM। जब ये LCM हो गया अब निकालते हैं HCF, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा LCM में सबसे पहले जो मिलता है वो हम लिखते हैं और जो बच जाता है उसको भी लिख देते हैं लेकिन HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं सिर्फ जो मिलेगा वही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बताइए इन दोनों में क्या मिला है तो सिर्फ 13 मिल रहा है यानी कि 13 मिल रहा है तो डायरेक्ट इसका HCF 13 हो जाएगा। अब देखिए अब इसका जांच भी करना है और जांच के लिए यहाँ जांच के लिए रूल क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये जो दोनों संख्या है ना इसका गुणा कीजिए और गुणा करने के बाद से वो किसके बराबर आना चाहिए तो HCF ये वाला और LCM इन दोनों के गुणा किया जाए वो दोनों आपस में अगर बराबर आता है ठीक है तो समझिएगा तब ये जांच आपका सही हुआ नहीं तो ये गलत है। देखिए ये फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्या है ये 26 इंटू 91 ठीक है दो संख्या हो गया इसका गुणनफल का मतलब गुणा कर दिए अब इसके बाद से आंसर आएगा वो फल हो जाएगा और HCF कितना आया है 13 और LCM आया है 182। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो जब आप 26 और 91 यानी कि 26 और 91 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2366 आएगा और जब आप इसको भी गुणा कीजिएगा तो 2366 ही आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा इसका आंसर इतना ही आएगा। देखिए दोनों बराबर आएगा यानी ये वेरीफाई कर दिए जांच कर दिए कि देखिए दोनों आएगा क्या क्या बराबर आएगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है तो HCF गुणे LCM के बराबर होता है यहाँ देख लीजिए दोनों बराबर आया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है 510 और 92 का जब निकालिएगा तो यही प्रोसेस सेम रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन करके और लास्ट में फॉर्मूला आपको यही लगाना है दो संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू LCM। इससे भी आगे जितना क्वेश्चन बनेगा आप लोग ट्राई कीजिएगा नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन को हम बना दें। यहाँ कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ समझ गए अभाज्य का मतलब बताए थे फिर से बता दे रहे हैं इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सिर्फ दो नंबर से कटता है वो नंबर कौन कौन सा एक तो एक होता है और एक वह नंबर खुद होता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं और गुणनखंड अलग अलग उस नंबर को तोड़ेंगे वह नंबर कौन कौन से दूसरे नंबर से कटता है उसे गुणनखंडन कहते हैं गुणनखंड कहते हैं। आइए देखते हैं इसका हम HCF निकालते हैं 12, 15 और 21 का हम लोग HCF निकालते हैं अलग अलग खंडन करते हैं। देखिए 12 का कीजिएगा 2 से तो ये हो जाएगा आपका 6 फिर 2 से 3 फिर 3 से 1 यानी कि 12 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3 तो देखिए 12 का गुणनखंडन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 अभाज्य गुणनखंड करना है जो भी नंबर है ये सब अभाज्य है। 15 का करते हैं फिर से 3 5 15 फिर 5 से 5 1 5 जब इसका कीजिएगा तो 15 का आया है 3 इंटू 5 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 में किसी भी अंक से गुणा करो कोई भी नंबर से तो नंबर तो वही रह जाता है। 21 का करते हैं 3 7 21 होता है 3 7 21 फिर 7 से करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 1 यानी कि 21 का आया 3 इंटू 7। अब हम निकालते हैं HCF और LCM दोनों देखिए कैसे एक काम करते हैं जो 12 का आया है वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 3
15 का आया है वो आया है 3 into 5, 21 का आया है 3 into 7। यहाँ ध्यान दीजिएगा, HCF निकालते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताए थे। अब इस नंबर में जो मिलेगा ठीक है उसको हम लिख देंगे और वही हमारा एसएफ जो सिर्फ मिलेगा। तो यहाँ 3 मिल रहा है, इसमें 3 दिखा, एक यहाँ 3 है और एक यहाँ 3 है, यानी कि इसका HCF क्या हो गया 3। और LCM कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जो मिलता है वो हम लोग लिखते हैं, तो मिला क्या है 3, 3, 3, तो 3 लिख दिए। और जो बच जाता है वो सब नंबर लिख देते हैं, 2 और 2 बच गया लिख दीजिए 2 और 2, इधर 5 बच गया, इधर 7 बच गया, मल्टीप्लाई करिए 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60 और 60 सत्य होता है 420, 6 × 7 = 42, 420, यानी कि इसका LCM हो गया 420। तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने LCM और HCM निकाल दिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, वैसे ये बहुत क्वेश्चन आसान है, इजी है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है। अब हम अगला क्वेश्चन एक बनाते हैं, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम बना देंगे। 17, 23 और 29, यहाँ करेंगे 17 से एक बार में, 23 से करेंगे, ये कटता ही नहीं है दूसरे नंबर से, ये भी एक ही बार में जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ देखना होगा। तो 17 का आया है सिर्फ 17 × 1, यहाँ 1 लिख दे रहे हैं अच्छा लगेगा, 23 × 1 और 29 × 29 हो जाएगा इंटू 1। अब हमको निकालना है LCM और HCF, सबसे पहले जो मिले वो लिख देते, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक मिल रहा है, एक इसका हो गया आपका HCF, और LCM में जो मिले और जो नहीं मिले वो लिखते हैं। तो मिला है क्या, एक मिलेगा, एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो नहीं मिले वो 17 है, 23 है और 29 है। अब तीनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कितना होगा, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 11, 33, 9, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 11, 33 और 9 ही आएगा, और यही आपका हो जाएगा LCM। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये हम बताएं एक फॉर्मूला हम बताए थे, यहाँ बताए थे 2 संख्याओं का गुणनफल का एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था HCF × LCM, वही फॉर्मूला था, हम लोग देखेंगे वो संख्या क्या था। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 306 और 657 इसका HCF अगर 9 आता है, यानी नंबर वही है और इसका, तो फिर इसका LCM निकालना है, और जब LCM निकला नंबर सेम है, देखिए इसका HCF दे दिया है 9 और इसका LCM निकालना है और नंबर यही है 306 और 657, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इसका गुणा ऐसे कर दीजिए, यही हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल 3, 6, 5, 7, और दोनों संख्याओं का HCF कितना है 9 है और LCM कितना है, तो यही तो निकालना है, यही ना बाकी था, LCM निकालना था हमको। ये मल्टीप्लाई में है और ये जब ये इक्वल टू को जंप करके इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 7, और ये मल्टीप्लाई यानी गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाता है, यानी बट्टा में हो जाता है, अब बराबर LCM। अब इसको कटा देना है, कटाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 3 से कटाइए, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 0, 3 × 2 = 6, अब ये कटेगा, तो कटाने के बाद ये कटाएंगे हम लोग तो आएगा यहाँ पे 3 × 3 = 9, 1 + 3 = 12, अगर 34 में और 657 से गुणा करेंगे तो आएगा 22, 33, 8 LCM, आपका यही LCM हो जाएगा। HCF दिया हो तो LCM इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, अगर दोनों नंबर का LCM यहाँ पे भर दें तो फिर HCF ये बट्टा में भेज करके निकाल लेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।